जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिनांक 6/11/18 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में पहली बार भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच खेला गया, जिसमें भारत ने एक शानदार जीत हासिल करी। इस जीत में लखनऊ वासियों को भारतीय टीम की तरफ से दीपावली के एक दिन पहले वेस्टइंडीज टीम से जीत कर नगर वासियों की दीपावली त्यौहार की खुशियां चार गुना ज़्यादा कर दी। इस T20 मैच का सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने एक शानदार शतक लगाया। 111 रन नाबाद 61 गेंदों पर बनाए, जिसमें 8 चौके 7 छक्के शामिल हैं। इसी के साथ शिखर धवन ने 3 चौकों की मदद से 41 गेंदों में 43 रन बनाए, पंत ने 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए, राहुल ने 1 छक्के 2 चौकों की मदद से नाबाद 26 रन 14 गेंदों में बनाए। टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 195 रन 2 विकेट पर बनाए। इसके दूसरी ओर विपक्षी टीम वेस्टइंडीज ने 9 विकेट पर 124 रन ही बना पाई 20 ओवर में। इसके साथ टीम इंडिया ने 71 रनों के साथ एक भारी एक शानदार जीत हासिल करी लखनऊ के इस स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में। देखिए खबर SS के लिए कैमरामैन राम जी के साथ तारिक खान की लखनऊ स्टेडियम से एक खास रिपोर्ट। खूबसूरत बना हुआ है, आइए पूछते हैं हमारे गार्ड साहब से कि क्या रहा कल का। सिक्योरिटी से जी, हमारे यहाँ सिक्योरिटी साहब है। क्या नाम है आपका? अरविंद। अच्छा, किसके बीच में था? इंडिया और कल का क्या रहा मैच का? अच्छा, यहाँ कैसा उत्साह देखने को मिला इंडिया आवाम के बीच? और भाई साहब आपका क्या नाम है? राम नारायण साहू। अच्छा, राम नारायण साहू जी। कल के मैच के बारे में आप कुछ हमें जानकारी देंगे? जी जी, मैच बहुत बढ़िया रहा और बहुत बेहतरीन मैच रहा और बहुत महफिल थी, इतना कि वहाँ धार जैसे कि होली बहुत दीपावली जो है बहुत मस्त और बहुत दिवाली मनाई की बहुत शानदार बहुत शानदार और इंडिया वालों ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दे दिया दिवाली के दिन पे। और ये और खिलाड़ियों का क्या रहा कल का? खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया रहे और इंडिया जो है 195 रन बनाई और वेस्ट इंडीज़ जो है 124 रन और इंडिया जो है धुआंधार बहुत टाप थी। वेरी नाइस। वो समझ लीजिए कि एक प्रकार का वो चीता है, समझ लीजिए इंडिया की टीम चीता है। खेलने में बहुत बढ़िया है और खेल भी बहुत बेहतरीन रहा, नज़दीक से देखे हैं और पूरा आनंद लिए मैच का। और मैच कुल मिला के सभी लोगों ने इतना उत्साहित था कि जो यूपी में अपना लखनऊ में जी इकाना स्टेडियम जो है और जो बन गया है, समझ लीजिए कि यहाँ जो भी आते हैं और इसका नाम लेते हैं और गर्व से कहते हैं कि हाँ हमारे यूपी में स्टेडियम ये हमारे यूपी में एक स्टेडियम हो गया है। ये इसकी कैपेसिटी क्या होगी स्टेडियम की? स्टेडियम की कैपेसिटी 50 से 55 हज़ार की लगभग सीटें हैं और VIP बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं वगैरह सब दी गई हैं? सुविधाएं बहुत VIP को। अभी और लोगों में क्या उत्साह देखने को मिला, क्या मतलब आवाम के बीच में कैसा रहा था? काफ़ी बहुत बढ़िया रहा और जुड़ी रहा और बहुत बेहतरीन रहा और देखने में फिल्म जो कि पब्लिक इतना खुश थी कि कोई जवाब ही नहीं इतना। और सिक्योरिटी वगैरह का क्या इंतज़ाम किया गया था, कैसा रहा मतलब? सिक्योरिटी बहुत बढ़िया रही, सीवियर सिक्योरिटी थी उसमें और टॉप भी सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी जो है बहुत लाजवाब और सिक्योरिटी में कोई भी इसके बारे में कह नहीं सकता। मतलब ये हम आज कह सकते हैं कि कल हमारे यहाँ पुलिस संस्था की बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि हमारे जो यहाँ के क्या बताया आपने क्या है? राम नारायण साहू जी। यहाँ के जो है यहाँ क्या करते हैं? यहाँ करते कुछ भी नहीं, देखने आते हैं। और अच्छा, ये हमारे राम नारायण साहू जी बता रहे हैं कल जो पुलिस व्यवस्था थी बहुत तगड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। जो लोग पब्लिक को बहुत सुविधाएं मिली आने जाने में, ट्रैफिक में और यहाँ मैच को इजी तरीके में देखने में। तो मैं एक बार फिर खबर अभी नाम चेंज हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया और इसका इकाना स्टेडियम से नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। जो ये देखिए आप इस ये बोर्ड देख सकते हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ। ठीक, मैं तारिक खान एक बार फिर खबर SS से फिर बाकी की न्यूज़ आगे दिखाते हैं आपको। धन्यवाद।